अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना अहम फैसला। मुस्लिम पक्षकारों ने इस्माइल फारूकी के फैसले के उस अंश पर पुनर्विचार की मांग की है जिसमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। आज उसे बड़ी बेंच को सौंपने पर होगा फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, एक जवान शहीद। तो वहीं बड़गांव में भी सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को घेरा, ऑपरेशन अभी भी है जारी। उत्तर प्रदेश में कल रात भाजपा के विधायक संगीत सोम के मेरठ स्थित आवास पर हुआ हमला। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने छावनी को तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की, हैंड ग्रेनेड को भी फेंका गया। गनीमत रहे कि हैंड ग्रेनेड फटा नहीं। पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी का सिलसिला आज फिर रहा जारी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल की 74.24 रुपए प्रति लीटर पर। मायानगरी मुंबई में यह 90 और 78 के पार। मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 90 अंकों की बढ़त के साथ 36,632 के स्तर पर, तो वहीं निफ्टी 26 अंकों की तेजी के साथ 11,079 के स्तर पर कर रहे हैं कारोबार।